वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शुक्रवार को विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले शपथ ली। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक सीएम बनकर नहीं लौटूंगा विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। प्रोटेम स्पीकर जी बुचैया चौधरी ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने नायडू का तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और उसके सहयोगी जनसेना और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। टीडीपी प्रमुख ने जनसेना नेता और अभिनेता पवन कल्याण को गले लगाया, जो पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। डिप्टी सीएम पवन कल्याण विधायक के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति थे। इसके बाद नायडू के बेटे नारा लोकेश सहित कई मंत्रियों ने शपथ ली, जो विधानसभा में नए चेहरे हैं। मंत्रियों के बाद जगन मोहन रेड्डी ने विधायक के रूप में शपथ ली। वही वाईएसआरसीपी प्रमुख को शपथ से पहले और बाद में हाथ जोड़कर चंद्रबाबू नायडू और सत्ता पक्ष का अभिवादन करते हुए भी देखा गया।